Yes, good morning students. So now our subject is science, class is 6th class and your first chapter name is sources of food. जो हम पहले ही कर चुके हैं, इसका मीनिंग समझ चुके हैं, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और भी बहुत सारे अपन ने टॉपिक कवर कर दिए हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स पार्ट्स एज फूड, मतलब पौधों के वो हिस्से जो आप फूड की तरह कंज्यूम करते हो, आप उसको खाने में उपयोग करते हो. जैसे अपन आप जानते होंगे प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. कोई फ्लावर वाला हिस्सा होता है, मतलब पौधे जब आप उगाते हो, जब आप बीज बोते हो, बीज बोने के बाद उसका क्या होता है, धीरे धीरे उसकी जड़ें निकलती है, धीरे धीरे उसका स्टेम निकलता है, स्टेम मतलब तना हो गया. तो हम पहले वो उसके ऐसे पार्ट जिसको हम फूड की तरह कंज्यूम करते हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स का जो पौधा होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं. सो पहले अपन उसके पार्ट्स के नाम पढ़ लेते हैं. सो सबसे पहले क्या है, अपन सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं. ये क्या है, आपकी जड़ें हैं. जड़ें जो क्या करती है, मिट्टी में आपके पौधों को पकड़ के रखती है, जिससे आपका प्लांट उधर ही रहता है, वो अपनी जगह से खिसकता नहीं है या टूटता नहीं है. तो जड़ें क्या करती है, जड़ें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट आपका एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वहां से उठ नहीं जाता है, हवा के बहाव से वो उड़ नहीं जाता है. प्लांट्स क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिस वजह से पौधा अपनी जगह पे रुका रहता है. प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट में देखोगे तो ये जो वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं स्टेम. स्टेम को हिंदी में कहा जाता है तना. तना क्या करता है, यहां से जड़, सबसे पहले जड़ से फिर में क्या कनेक्टेड है, तना. ये तना क्या करता है, तने यहाँ पे आपके बहुत सारे अलग अलग पार्ट निकले हुए. यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं, ये क्या है, लीव्स. लीव्स वो वाला हिस्सा है जहाँ पे प्लांट्स का खाना बनाया जाता है, और उस जिस प्रोसेस से वो बनाया जाता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. सो ये जो है, इसे हम क्या कहते हैं, लीव्स. लीव्स मतलब हो गए पत्ते, जहाँ पे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. नेक्स्ट अपन लेते हैं, नेक्स्ट आपका हो गया फ्रूट्स. फ्रूट्स को भी आप खाते हो, राइट. प्लांट से जो अपन को फ्रूट्स मिलता है उसे भी अपन कंज्यूम करते हैं. फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, फल. नेक्स्ट आपका हो गया फ्लावर. फ्लावर भी एक ऐसा हिस्सा है जो प्लांट्स का ही हिस्सा है, और फ्लावर्स को भी कुछ कुछ आप फ्लावर्स होते हैं जो आप खाते हो, जैसे कि फ्लावर्स हो गया कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जो हो गई वो भी आप कंज्यूम करते हो. तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिसे आप क्या करते हो, खाने में उपयोग करते हो. नेक्स्ट ये हो गया आपका बड. बड मतलब कली. जब फूल निकलने वाला रहता है, उससे पहले उसकी छोटी सी कली निकलती है, उसे हम कहते हैं बड. मतलब फूल निकलने से पहले क्या होता है, ये छोटे से उसके अंदर तने में से छोटी सी कली निकलती है, और फिर बाद में निकलता है फ्लावर. सो ये हो गया आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपको पता चल गया फ्लावर्स के कितने, सॉरी प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं. सबसे पहले होता है रूट्स, रूट से निकलती है जड़े, जड़े से निकलते हैं लीव्स, हो गया पत्ते, दैट इज फ्रूट्स, फल, फ्लावर, फूल और कली. और वैसे ही जैसे फ्रूट्स निकलता है वैसे वेजिटेबल्स भी निकलते हैं, ऐसे अलग अलग चीजें निकलती है. सो अब अपना ये जो प्लांट है, इसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, दो सिस्टम में. यानी कि जो जड़ों से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम, जिसमें आपके आ गया फ्लावर आ गया, बर्ड आ गया, लीव्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, स्टेम आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, ये सारे आपके किसमें आते हैं, शूट सिस्टम के अंदर आते हैं. वेरेज रूट सिस्टम के अंदर आता है ये जो नीचे वाला हिस्सा है जो जमीन के अंदर रहता है, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम. जो आता है उसके अंदर आता है रूट्स. रूट्स में भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो आप कंज्यूम करते हो, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स का जो रूट वाला हिस्सा है, दैट इज जड़ों वाला हिस्सा है, जिसे आप खाने में उपयोग करते हो. जैसे कि आपके हो गए रूट्स में हो गया आपका गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब कहाँ उगते हैं, जड़ों में उगते हैं. तो ये सब क्या हो गया, रूट्स वाला हिस्सा हो गया, जिसका आप क्या करते हो, एज अ फूड कंज्यूम करते हो. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो अभी हमने किया था, इसके पहले हमने किया था प्लांट्स पार्ट्स एज फूड, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा था, डायग्राम में देखा था कौन सा पार्ट होता है, फ्लावर होता है, सीड होता है, वो सब किसमें आते हैं, अपने शूट सिस्टम में आते हैं, दैट इज फूड्स, फ्लावर्स, स्टेम, लीव्स, सीड्स, ये सब हम किसमें आते हैं, शूट सिस्टम में आते हैं. और रूट्स किसमें आते हैं, रूट सिस्टम में. हमने प्लांट्स के कितने किए थे, दो सिस्टम किए थे. प्लांट्स को हमने डिवाइड किया था दो सिस्टम में, दैट इज रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. रूट्स के नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं रूट्स वाला हिस्सा, दैट इज रूट सिस्टम. एंड रूट्स का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जिसमें फ्रूट, स्टेम, फ्लावर्स, लीव, सीड्स, ये सारे आते हैं, उन्हें हम कहते हैं शूट सिस्टम. अब ये तो हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. अब हम देखते हैं इनमें जो सिस्टम में जो पार्ट्स है, उससे हमको कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जिसे हम फूड की तरह कंज्यूम करते हैं, खाते हैं. जैसे रूट्स हो गए, कुछ प्लांट्स के हम रूट्स वाला हिस्सा खाते हैं, दैट इज जड़ वाला हिस्सा खाते हैं. और वो जड़ जैसे कि कौन सी हो गई, कैरेट हो गई, रेडिश हो गई. कैरेट का मतलब क्या हो गया, गाजर. रेडिश का मतलब क्या हो गया, मूली. नेक्स्ट शूट सिस्टम में हम करते हैं सबसे पहले फ्रूट्स. फ्रूट्स का मतलब क्या हो गया, फल. फल हम कौन से खाते हैं, प्लांट्स के बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि एप्पल. एप्पल मतलब सेब और
मैंगो, मैंगो मतलब आम। वैसे और भी दूसरे हैं जैसे ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, ये सब भी क्या है, उनके फ्रूट्स है जिसे हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेम। स्टेम का मतलब होता है तना। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसके हम तना वाला हिस्सा, दैट इज स्टेम वाला पार्ट खाते हैं, जैसे कि शुगर केन। आप देखोगे शुगर केन देखोगे तो पूरा का पूरा लंबी टहनी रहती है और वो क्या रहता है, स्टेम वाला हिस्सा रहता है। वैसे ही शुगर केन की जैसे पोटेटो भी किसमें आता है, स्टेम वाले हिस्से में आता है, जिसको आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। शुगर केन का मतलब हो गया गन्ना और पोटेटो का मतलब हो गया आलू। नेक्स्ट फ्लावर, बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं फ्लावर की, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका हम फ्लावर वाला हिस्सा खाते हैं, दैट इज फूल खाते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर जिसे हम हिंदी में कहते हैं फूल गोभी, और ब्रोकली जिसे आप कहते हैं हरी फूल गोभी जो आती है उसे हम क्या करते हैं, इसको हम खाने में काम लेते हैं। नेक्स्ट लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके हम पत्ते वाले हिस्सा खाते हैं, सिर्फ पत्ते खाते हैं, जैसे कि स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक। फेनुगलिक, फेनुगलिक मतलब मेथी के जो पत्ते होते हैं वो खाते हैं, जैसे धनिया हो गया, हरे पत्ते जो आते हैं धनिया के वो भी किसमें आ गए, लीव्स वाले पार्ट में आ गए। जैसे कि आप ले सकते हो बथुआ भी आप खाते हो, तो ऐसे बहुत सारे पत्तेदार सब्जियां जो आप खाते हो उसे हम कहते हैं लीव्स। नेक्स्ट हम लेंगे सीड्स। सीड्स का मतलब हो गया बीज, जिसे आप बोते हो और बीज से क्या होता है, आपका पूरा का पूरा नया प्लांट उगता है। तो बहुत सारे ऐसे बीज है जिसे आप कंज्यूम करते हो, जैसे कि आप जो अनाज खाते हो या पल्सेस, पल्सेस का मतलब हो गया दाल, तो जितनी भी अनाज हो गए सीरियल्स और पल्सेस दाल हो गई उसे आप क्या करते हो, खाते हो, जैसे कि वीट राइस, ये सब क्या है, उस प्लांट का सीड होते हैं, उसको आप बोओगे तो उससे नए पौधे आ जाएंगे। तो वीट हो गए, राइस हो गया, आपकी जितनी भी दालें हो गई, पल्सेस हो गए, वो सब भी किसमें आते हैं, सीड वाले हिस्से में आते हैं। तो आपको ये सब समझ में आया, इफ यू हैव एनी डाउट देन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर। थैंक यू सो मच।